प्लीज इस बात को समझिए, मैं भी पक्ष सकता हूं, उपाध्याय सर गले के अंदर वो ताकत है, उपाध्याय सर, उपाध्याय सर क्यों हम डिबेट को डिले करें, एक सेकंड किसी प्लीज इस बात को समझिए, मैं भी पक्ष सकता हूं, उपाध्याय सर गले के अंदर वो ताकत है, उपाध्याय सर, उपाध्याय सर क्यों हम डिबेट को डिले करें, एक सेकंड किसी कहा तो मुश्किल बनी रह सकती है। वहीं विपक्ष भी जानता है कि बिना आंकड़ों के मजबूती के लड़ाई मुमकिन नहीं है, वैसे राज्यसभा में पल रहा अभी बराबर है। ऐसे में बिना विपक्ष के समर्थन के सकारात्मक राजनीति की उम्मीद के मायने क्या है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस अलग खड़ी है, मायावती बीएसपी अलग खड़ी है, सपा अलग है, दीदी यानी कि ममता बनर्जी अलग खड़ी है, कांग्रेस अलग है, ऐसे में आज सवाल पूछेंगे एके मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ सनोज मिश्रा हमारे साथ, फिल्म डायरेक्टर है, कई जानी मानी फिल्में बना चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं। कि संसद के पटल पर अच्छी बातें रखनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये तो नहीं है ना कि आंखें और मुंह बंद कर लिए, जो हम कर रहे हैं उसी पर आप सहमति जताइए, चर्चा करिए ना, चर्चा करने से कौन भागता है। चर्चा अच्छा ठीक है, एके मिश्रा आप मुस्कुरा क्यों रहे थे साहब, जरा बताइए। अनुरोध सिंह बोल रहे हैं कि भैया हम भी दो में रहे, हमने मुकाबला किया, मुस्कुरा क्यों रहे भैया। देखिए मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि उसके पीछे रीजन ये है, आज ये जो विपक्ष को बोल रहे हैं ना, मैं 50 ऐसी घटनाएं बताऊंगा कि विपक्ष का मतलब क्या होता है। आप इस चक्कर में मत जाइएगा कि पक्ष या विपक्ष का। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई बार विपक्ष के नेता राजीव गांधी जी ने फॉरेन में लीड करने के लिए किसी भी काम के लिए भेजा, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा, ऐसे 50 एग्जाम्पल। आप जो विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं वो पहले अपने ऊपर अप्लाई करिए कि क्या आप विपक्ष को एक्सेप्ट उस वे में करते हैं कि नहीं करते हैं। साल भर 5 तक विपक्ष की जड़ खोदने के बाद एक ऐसा माली, एक ऐसा बागवान जो कि बाग में पड़े हुए पौधे और फूलों के पौधे को जड़ खोद दे और खोदने के बाद उस खुदी हुई जगह पे मिट्टी डाले और बोले कि नहीं जी यहां तो फूल उगना चाहिए, पेड़ों का रहना जरूरी है। दूसरा एक चीज और बोलूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दूं, बीजेपी या कोई भी पार्टी जीतना इनका मकसद होता है। बीजेपी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं साइलेंट वे में ये मैसेज भी दे रही है, भाई जो हुआ वो भूल जाओ, अब हम जो बिल उल ला रहे हैं उसको धड़ाधड़ पास करो। अब नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कहीं ऐसा मकसद तो नहीं है कि आंखें बंद कर लीजिए मुंह बंद कर लीजिए, जो हम चाह रहे हैं आप वही करिए। इसलिए नहीं, बीजेपी वाले जीते उसके लिए बधाई, भाई राजनीति करते हैं जीतने के लिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, ये एक दुर्दशा है। मैं बीजेपी की इस बात को भी मानता हूं कि विपक्ष बातचीत करने में, अपने बात को, अपने मुद्दों को उठाने में, रखने के तरीके में फेल्योर रहा है। बीजेपी तो अच्छा बोल बोल के सरकार बना ले गई 28 स्टेट में, बीजेपी तो अच्छा बोल बोल के सरकार बना ले गई 28 स्टेट में, ये मैं मानता हूं कि बात को रखने में, संवाद करने में ये लोग बड़े माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, आज आप देखिए कहीं भी कुछ भी किसी भी स्टेट को लेके देखिए, कहीं भी डेवलपमेंट का 55 साल जो अटल जी का एजेंडा था वो आज आप लोगों का एजेंडा है, क्यों नहीं? अटल जी का एजेंडा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एजेंडा एकात्म मानववाद, उसी पे हम चल रहे हैं। आज की डेट में वो एजेंडा है, एकात्म मानववाद उसी पे चल रहे हैं। आप जिस राज्य में जाते हैं वहां विपक्ष को खत्म कर देते हैं, वो एजेंडा आपका। विपक्ष को हम नहीं खत्म करते हैं, विपक्ष अपने आप पे बढ़ जाता है, कुकर्मों की वजह, कर्मों की वजह, उनके कर्म रहे हैं अपने आप। आप ये बात बताइए, मिश्रा जी इतने नाराज होते हैं, मैं मिश्रा जी से सिर्फ तरीके क्या है, मेरा ऑब्जेक्शन है तरीके क्या, मिश्रा जी मैं मिश्रा जी से सिर्फ तरीके क्या है, मेरा ऑब्जेक्शन है तरीके क्या। मिश्रा जी आप एक बार सिर्फ जवाब दीजिए मेरा जी, कि आप ये देखिए 5 के अंदर नोटिस करिए विपक्ष ने कौन सी सकारात्मक राजनीति की है। आप अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा की सकार, हम खड़े होकर साथ देते थे सत्ता पक्ष का, चाहे वो चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे जो इन्होंने क्या किया, आप बताइए, आप बताइए, आपने बड़ी सकारात्मक राजनीति की और वो सकारात्मक राजनीति ये दिखी कि जितनी आपने 5 में काम किया था एक भी मुद्दा चुनाव में नहीं बनाया, कि जितनी आपने 5 में काम किया था एक भी मुद्दा चुनाव में नहीं बनाया, यही आपकी एक सकारात्मक। अरे विपक्ष क्यों नहीं लेके आया, मैं कह रहा हूं विपक्ष क्यों नहीं लेके आया मुद्दों को, 5 मैं कह रहा हूं विपक्ष का काम है मुद्दा गिनवाएंगे। अरे रुकिए ना मिश्रा जी, अभी एक एक मुद्दा गिनवाएंगे, 15 से लेकर रोजगार और रोजगार से लेकर राम मंदिर, आपने बात अरे सब गिनवाएंगे, अभी गिनवा देंगे तमाम मुद्दे। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए 3 राज्यों में, मैं बताऊंगा उसका भी एनालिसिस करूंगा सर। एक सेकंड, जरा ये तस्वीरें दिखाइए और इसका ऑडियो बढ़ा दीजिएगा जी, बिल्कुल जरा एक सेकंड सर, अनुरोध सिंह को भी दिखाइएगा तस्वीर, मेरी दरख्वास्त है पीसीआर से क्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा ये तस्वीरें सुनाइए, तस्वीरें दिखाइएगा। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, कर शपथ अग्निपथ, और अग्निपथ पर शपथ करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर, स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी, लोकसभाया सदस्यत्वेन
निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपेयदहम्। संस्कृत में पिताजी, पिताजी का नाम लीजिए आप अपने, आप अपने नाम के साथ जो है ना पिता का नाम उसमें जुड़िए। स्वामी पूर्ण चेतनानंद मैंने लिखा था उसमें। नहीं, या तो ईश्वर का नाम लेंगे या संविधान, या तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेंगे। मेरा नाम स्वामी पूर्ण चेतनानंद गिरी, मैंने उसमें भी लिखा था। साध्वी जी, साध्वी जी, या तो ईश्वर के नाम पर या संविधान के नाम पर, उसमें स्पष्ट व्यवस्था है। नहीं नहीं, ये मेरा नाम है। हाँ, नाम पूरा बोलिए। मैंने उस फॉर्म में भी लिखा था, नाम पूरा बोलिए। मेरा नाम यही नाम जी, आप अपना नाम लीजिए। अरे नाम है मेरा साध्वी जी, साध्वी जी, आप यहाँ देखिए और नाम लीजिए। अहम साध्वी प्रज्ञा सिंह स्वामी पूर्ण चेतनानंद अवधेशानंद गिरी। रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कृपया व्यवस्था बनाइए, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, बैठे बैठे रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। नहीं पर इसमें पिता का नाम नहीं है ना इसमें, हाँ इसमें पिता का नाम नहीं है ना। इनका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट वो जो प्रमाण पत्र है, एक मिनट, प्रमाण पत्र होगा ना इनका, प्रमाण पत्र होगा ना, प्रमाण पत्र भी देखिए क्या है। आपका वो कहाँ है, इलेक्शन वाला प्रमाण पत्र आपका, एक मिनट, वही चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, शांत रखिए, क्या बात, व्यवस्था में सहयोग कीजिए। हाँ प्रमाण पत्र, अरे ईश्वर की शपथ तो लेने दो, प्रमाण पत्र मांगे, ईश्वर की शपथ तो लेने दो। प्रमाण पत्र किधर है, उसी काफी होगी ना। देखिए प्लीज बैठिए, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना शपेयदहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये यदहम् भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम अखंडताम च रक्षिष्यामि। आप लोग इसी हिंदुत्व की बात कर रहे थे जी। वो जिस परिप्रेक्ष्य पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ नहीं किया दिल से, वो हाँ। परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग है। अच्छा, और उन्होंने भी उस चीज को नहीं, चावला जी बात ये नहीं है, चावला जी बात ये है, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का ये रोल देख के कि ये शपथ भी नहीं ले पाई जो। अरे राहुल जी का रोल देखिए, शपथ, आप राहुल जी का वीडियो हो चला दीजिए, राहुल जी ने कैसा शपथ लिया था, राहुल जी अगली बार सांसद है, राहुल जी शपथ नहीं ले पाए थे, राहुल नहीं कर पाए कि हमसे उम्मीद करो, राहुल जी शपथ नहीं ले पा रहे थे अपने, वो कैसे पार्टी चलाएंगे सर। आप अपने बारे में मंत्रिमंडल बांट रहे थे 21 मई को, आप अपने बारे में ये मंत्रिमंडल बांट रहे थे 21 मई को, साध्वी प्रज्ञा जी को, और आज शपथ देखिए मजाक बन गए, खुद ही शपथ नहीं ले पाए। एक माफ कर दिया, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था उनके सामने, आईटी सेल की, बीजेपी के आईटी सेल की ब्रीफिंग नोट नहीं मिली थी, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा जी बोल नहीं पाई, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था उनके पास। मुझे साध्वी प्रज्ञा जी को, और आज शपथ देखिए मजाक बन गए, खुद ही शपथ नहीं ले पाए। एक सेकंड, एक सेकंड, माफ कर दिया, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था उनके सामने, आईटी सेल की, बीजेपी के आईटी सेल की ब्रीफिंग नोट नहीं मिली थी, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा जी बोल नहीं पाई, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था उनके पास, भारतीय जनता पार्टी, मैं खुद आईटी सेल को रिप्रेजेंट, शपथ दिलाएगा क्या, काम करेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, अनुज सिंह जी माफ कर दिया,
नहीं माफ करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिल से हम नहीं माफ किए हैं। अच्छा, लेकिन आप इसका भाई कुछ चुन के आया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे हैं, आप क्या बातें करते हैं, सीट जीतना है इसलिए अलाउड है। मिश्रा जी यही गलती थी आप लोग करते गए, यही गलती थी। आप उपाध्याय जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार, आप उनसे सीखिए और उनसे समझिए कि कांग्रेस ने क्या क्या गलतियां की। यही गलती करते गए, वो समझ नहीं पाए। अभी हमारे मित्र तिवारी जी बोल रहे थे वो कांग्रेस, ये कांग्रेस वाले नहीं है सर। आप लोगों के खिलाफ बोले तो इसका मतलब वो कांग्रेस ही हो गया। ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। नहीं, आप लोगों के खिलाफ बोले तो वो कांग्रेस ही हो गया। देखिए मैं खिलाफ बोलने की बात नहीं कर रहा, आवाज बुलंद होनी चाहिए। साथ बैठे हैं दीपक तिवारी, कांग्रेस कांग्रेस डिबेट में कांग्रेस की हो या ना हो, विपक्ष की हो या ना हो, जनता की आवाज बुलंद है सर। अभी उपाध्याय जी आप खिलाफ बोलने की बात नहीं कर, आवाज बुलंद होनी चाहिए। साथ बैठे हैं दीपक तिवारी, कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस वाले तो आएंगे डिबेट में। कांग्रेस की हो या ना हो, विपक्ष की हो या ना हो, जनता की आवाज बुलंद है सर। अभी उपाध्याय जी बुलंद है, अभी आप बोल रहे ना उपाध्याय सर, उपाध्याय सर 10 सवाल आपसे पूछेंगे, अभी कांग्रेस को उत्तर देंगे आप। घोषित नहीं कर रहा, जो आदमी शपथ नहीं ले पा रहा है। अरे मिश्रा जी, राहुल गांधी की शपथ नहीं ले पाए, आप देखिए उपाध्याय जी, ये लोग क्या करते हैं, कांग्रेस के कई लोग जितने हैं वो बिल पास करवाने के लिए वो उसमें ये नुक्ताचीनी ढूंढते हैं कहां से बिल रोका जा सकता है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो फाइल को कैसे रोक सकते हैं, बस इस तरीके से उनका। और जब आप विपक्ष में होते सदन नहीं चलने देते तब मैं कह रहा हूं कि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अपने तर्कों के आधार पर बात रखती है, तर्क के आधार पर रखती है। आप बता दीजिए बालाकोट का जब अटैक होता है कितने विपक्ष के लोग आके प्रधानमंत्री का करते हैं, जब अंतरिक्ष के अंदर चांद हम जब अंतरिक्ष के अंदर पहुंचते हैं कितने विपक्ष के होते हुए नेता विपक्ष के तौर पर आरबी उपाध्याय जी और एके मिश्रा जी। उपाध्याय सर जरा जरा पर्दा उठाइएगा, मैं बता रहा हूँ, जरा जरा वो दौर याद दिलाइएगा। देखिए ये कौन से विपक्ष की बात कर रहे हैं, बनारस मॉडल, अरे 2014 में वो गुजरात मॉडल था, उसमें बात क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, हम तो वही कहेंगे गुजरात मॉडल करेंगे। ये लोग उसी में फेल हो गए, हम लोग वही किए ना। अरे सर, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष का एक उदाहरण अभी देख लीजिए, बिहार में 100 नौनिहाल मर गए, न पक्ष बोल रहा है न विपक्ष बोल रहा है, वहाँ यही है। जी 100 बच्चे मर जाए लेकिन हम निष्पक्ष रहेंगे, न पक्ष में बोलेंगे न विपक्ष में बोलेंगे, हम सवाल उठाएंगे। कार्रवाई कर रहे हैं, सुनिए कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप? मेरे मित्र सुनिए, जो उचित कार्रवाई सारी कार्रवाई की जा रही है, उचित कार्रवाई, बच्चे तो लोग मर रहे हैं। तो अटल बिहारी का विरोध हुआ था, गोरखपुर वाला मॉडल लेकर जाते हैं ना, इसका विरोध हुआ था, मॉडल लेकर जाते हैं योगी जी से बोल के। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं साहब, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष का मतलब ये होता है, मोदी जी ने जो बोला कि भाई विपक्ष आप एकदम निष्पक्ष रहो, हम जो कर रहे हैं करने दो, कुछ बोलो मत, अड़ंगा। खैर ये गलती विपक्ष की है, ठीक है, बोल नहीं पाए, नहीं मैं इसको मानता हूँ, ये कमी है। लंदन जाइए, सब तो कह रहे हैं आगे बैठे चिल्लाइए लोकसभा में, कौन कह रहा लंदन जाए। उपाध्याय जी अपनी बात रखिए, देखिए उसके बाद सरोज जी आपके पास आ रहा हूं। उनका जो कहने का था, आपने प्रधानमंत्री जी की भाषा को अगर कभी देखेंगे तो वो इस तरह के निरर्थक शब्द नहीं यूज करते हैं। सार्थकता ये थी कि आप राजनीति से ऊपर उठकर ये नहीं सुन ले, सिर्फ राजनीति में विरोध करना ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं विपक्ष हूं, ये छोड़ना होगा, ये छोड़ना होगा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यूज करते थे, देखिए अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए ना, मतलब ये है कि अगर जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे पर आपको राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए, जो वहीं से निकले हुए भरी सभा में प्रशंसा करते थे विपक्ष की। अच्छा तो राहुल भैया नहीं सीख पाए थे क्या? कांग्रेस को सीखना था, ये सुन ले मैं कह रहा हूं। आर भी उपाध्याय साहब, नहीं नहीं, ये बेहद गंभीर सवाल है, नहीं नहीं, एक सेकंड सर, आपका अपना विचार हो सकता है सर, अटल बिहारी वाजपेयी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक है, सब मीनिंग फुल है, विपक्ष का एक भी नारा, विपक्ष का एक भी नारा उतना मीनिंग फुल नहीं था। अगर विपक्ष के भी यही नारे मीनिंग फुल होते, वो जनता से जुड़े होते तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। सर आप एक 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 सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लेकिन उनका हर शब्द एक सेकंड उपाध्याय सर फुल होता है, उपाध्याय सर इतिहास का पन्ना पलटिए ना सर। सर विपक्ष की क्या भूमिका रहती है? मैं इमरजेंसी के दौर की बात करता हूँ, एक सेकंड राजनीति मिश्रा जी, एक सेकंड प्लीज लिसन टू मी, एक सेकंड, ये विपक्ष की भी नाकामयाबी थी उपाध्याय सर, उपाध्याय सर थी बात बीजेपी कांग्रेस की, बात विपक्ष की है। फिर एक चीज और बात है, दोनों की बात मिश्रा जी आप कितना चीख लीजिए, सुन लें, चुनाव के पहले विपक्ष क्यों नहीं करते? अरे मिश्रा जी एक सेकंड रुकिए ना,
जनता ने चुना है, जनता की अदालत है, वो सर्वोच्च अदालत है, उसका अपमान करने का अधिकार न मुझे है न पैनल में बैठे किसी पैनलिस्ट को है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता ने अगर चुना है वो जनता देश दिया है, सम्मान करना। अरे सर करें, पक्ष विपक्ष ने ऐसी शुद्ध भाषा में इतना एक सेकंड पैनल में और भी लोग अगर राजी आपसे ज्यादा चीख सकता हूँ, अगर वो इतना सब कुछ गलत था, जनता ने गलत चुना, जनता ने गलती की, क्या जनता को बेवकूफ मानते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात अलग है, क्यों डिबेट कर रहे हैं? सहमत हूँ आपके जनता का अपमान कर रहे हैं, उस जनता का अपमान कर रहे हैं जो लोकतंत्र में सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च अदालत है लोकतंत्र की। दोनों कैसे एक हो गए? एक सेकंड प्लीज उपाध्याय सर, प्लीज इस बात को समझिए। मैं भी पक्ष सकता हूँ, उपाध्याय सर गले के अंदर वो ताकत है। उपाध्याय सर, उपाध्याय सर क्यों हम डिबेट को डिबेट कर रहे हैं? एक सेकंड किसी, प्लीज इस बात को समझिए। मैं भी पक्ष सकता हूँ, उपाध्याय सर गले के अंदर वो ताकत है। उपाध्याय सर, उपाध्याय सर क्यों हम डिबेट को डिबेट कर रहे हैं? एक सेकंड किसी निष्कर्ष पर निकलते हैं ना। मेरा सवाल सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस से हटकर है सर, मेरा सवाल विपक्ष की तरफ है जी। अब एक दौर, मैं इमरजेंसी के दौर में जा रहा हूं, वहां पर भी एक विपक्ष की भूमिका थी सर। अब एक ऐसा अप्रत्यक्ष विपक्ष जब सबको एकजुट कर लाता है, मैं जेपी मूवमेंट की बात कर रहा हूं सर, थी सर एक भूमिका। आज आपको वो दौर दिखाई देता है, वो राजनीति दिखाई देती है जहां पर एकजुटता के सवाल पर जो है सत्ता के संघर्ष के लिए आपस में एक दूसरे को चुनाव खत्म होते ही कहते हैं कि भैया तुमने वोट नहीं दिलाया, तुमने बीजेपी का जो ब्राह्मण वोट था वो नहीं दिलवाया, तुमने दलित वोट नहीं दिलवाया, फिर ये कौन सी राजनीति है सर? और कैसा विपक्ष? देखिए जेपी आंदोलन की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, वहां कहीं ना कहीं नेपथ्य आप देखेंगे, उस मुद्दों में जनता थी, जनता की जो प्रॉब्लम थी वो थी, और जनता के मुद्दों पे ही वो सब एकजुट हुए थे और उनको फिर जनता ने सत्ता भी सौंपी थी। यहाँ विपक्ष उन मुद्दों के साथ नहीं है, जनता के प्रॉब्लम के साथ नहीं, जनता की समस्याओं के साथ नहीं, जनता की आवाज नहीं है, उसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरीके कोसी हत्याल है, हम सत्ता पर काबिज हो जाएं और बाकी जनता जो है वो जनता की कोई बात नहीं कर रहा, ना जनता के मुद्दों पे बात की। अल्टीमेट गोल यही होता है। अब एक अगर सब चोर है तो मैं भी चोर हो जाऊं, आपको अलग दिखाना होगा। राजनीति का चरित्र में कहता हूं, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ, वो सबका हुआ। फिर आप और वक्त फर्क क्या है? आपको तो अपनी आइडियोलॉजी लेके जाना पड़ेगा। अब जब मान लिया सब एक जैसे थे तो उनकी आइडियोलॉजी जनता को पसंद नहीं आई, जनता को पसंद बीजेपी की आइडियोलॉजी आई, जनता ने चुन लिया, उसमें आपको तकलीफ है तो वो आपकी तकलीफ हो सकती है। जनता भी मूर्ख नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। जनता ने इसी चीज के लिए ओके 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 एक सेकंड आप ऐसे एक सेकंड बहुत देर से पकड़ कर, एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, एक सेकंड। इसका मतलब आप समझते हैं जनता बेवकूफ है, इसने वोट दिया है, इसने सरकार बनाई, इसने सरकार को चुना, आप क्या कहना चाहते हैं? भोली है आप, जनता कर रहा है, आप सम्मान कर रहे हैं, आपको सीखना होगा। मैं ऑडियो नीचे करवाऊं अच्छा लगेगा। आप दोनों बहुत देखिए क्या है वो जनता के मुद्दे पर सर डिबेट में कैसे बैठते हैं? आपको बताना पड़ेगा क्या आपस में आप लोग एक सेकंड ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे प्लीज सर, वैचारिक स्तर बनाए रखिए इसका। आप लोग आरवी उपाध्याय सर प्लीज सर, सर आप एक सेकंड, एके मिश्रा मैंने ऑडियो नीचे करवा दिया, प्लीज सर प्लीज, नो प्लीज मेरी आप दोनों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, प्लीज आप बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं दोनों, आप लोग रोज डिबेट में बैठते, तीन चार डिबेट्स करते हैं आप लोग, प्लीज ऐसा करेंगे आप लोग? एक सेकंड, एक सेकंड दीपक तिवारी एक बात बताइए, ये विपक्ष की भूमिका को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, यहां तो यही तय नहीं है कि विपक्ष है या नहीं है, विपक्ष है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, कहां है? देखिए क्या होता है कि मुद्दे एक महीने से विपक्ष कहाँ है? बिल्कुल मुद्दे ऑलरेडी जितने भी मुद्दे थे 2014 से लेके अब तक जितने भी मुद्दे थे, भले से वो धर्म जाति जैसे बताया अभी मिश्रा जी ने कि धर्म जाति इन सब के जनता बोली है ऑलरेडी, उनको एक हिंदुज्म का कार्ड खेला, हिंदुज्म की कोई जनता ने वोट दिया ना, नहीं जनता ने वोट दिया ना। मेरा सवाल यह है कि एक महीने के बाद एक अगर चुनाव खत्म हो गया तो विपक्ष खत्म हो गया, मतलब विपक्ष कहाँ है? नहीं विपक्ष है कहाँ? नहीं विपक्ष जैसे अब आने तो देंगे तब तो आएंगे, कहाँ आएंगे? अभी भी क्या इन्विटेशन कार्ड देने जाएंगे मोदी जी?
मोदी जी देने जाएंगे इनविटेशन कार्ड कि आइए भैया अपनी विपक्ष की भूमिका निभाइए। ओके ओके एक सेकंड, बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि कौवा कान ले गया, अपना कान देख नहीं रहे हैं आप और बोल रहे कौवा कान ले गया। एक सेकंड, एक मिश्रा, एक सेकंड अनुज सिंह इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, नेता विपक्ष का पद देंगे क्या इनको? बड़ा विपक्ष विपक्ष कर रहे हैं आप, दिल पसीना आपका, नेता विपक्ष का पद देंगे क्या? सबको मिलेगा जो उचित सम्मान होगा, उचित सम्मान होगा जो संविधान। खड़गे साहब 5 साल तक तो लड़ते रहे आप लोगों से, उचित सम्मान होगा वो जरूर मिलेगा सर, वही सम्मान की बात कर रहा हूँ, सम्मान होगा। अरे सर बड़ा दिल है आपका, 1984 में राजीव गांधी जी ने कितना सम्मान दिया था। अच्छा बदला ले रहे ना सम्मान मिलेगा, बदला ले रहा। एक के मिश्रा, एक सेकंड, एक के मिश्रा प्लीज, मैं बाहर चला जाता हूँ, यहाँ आके बैठ जाइए। एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड अनु सिंह जी कितना बड़ा दिल है देखिए, संविधान के दायरे में उचित जो भी सम्मान होगा सबको सम्मान दिया जाएगा सर, मैं वही तो सम्मान, सम्मान देना संवैधानिक पोस्टों पर संवैधानिक चीजें हमारे घर की खेती नहीं होती, संविधान के दायरे में जो सम्मान होता है सबको दिया। खड़गे साहब को चाहे सीबीआई का अपॉइंटमेंट कमेटी में हो, चाहे एनआईए का अपॉइंटमेंट कमेटी में, नहीं देंगे ना? सुनिए मैं विपक्ष, अरे हमने नहीं, जनता ने नहीं दिया, हम क्या करें उसके लिए? जनता ने नहीं उनको चुना, हम क्या करें उसके लिए? अच्छा तो जनता के बीच में जाते, जनता ने नहीं चुना, हम क्या कर सकते? अच्छा अच्छा, विपक्ष, जनता ने इनको विपक्ष के पद देने लायक ही नहीं चुना। बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं ये और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, एक काम करें भैया, एक मिश्रा जी को सिंगल विंडो में लीजिए, बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, फिर मैं पूछ लूंगा दूसरे गेस्ट से। सर एक सेकंड प्लीज, सर आप लोग सर एक सेकंड समझिए सनोज जी, विपक्ष भरोसा करेगा आपको क्यों लगता है और क्यों विपक्ष भरोसा करे? देखिए विपक्ष का जो आज हाल हुआ है, मैं सच बताऊं तो विपक्ष ने अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती तो आज इन हालातों में विपक्ष नहीं होता। मैं विपक्ष की तरफ, मतलब उनकी तरफ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि एक देश में बहुत मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार को हम जवाबदेही कर सकें, हम उन पर अंकुश लगा सकें। लेकिन अभी भी जो विपक्ष हमारे पास बचा हुआ है ना, वो भी अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा रहा है आज की तारीख में। जैसे कि मीडिया से वॉकआउट करना, सदन से वॉकआउट करना, ये जो आपने, आपको जो चुनकर की जनता ने भेजा है, तो कम से कम उतना रोल तो आप अदा कीजिए, सरकार से सवाल तो पूछिए, नहीं देंगे आप सरकार से सवाल तो पूछिए कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, अगर आप विपक्ष को रहने ही नहीं देंगे, वो गुजरात फॉर्मूले पर काम करेंगे, विपक्ष ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, विपक्ष को क्यों नहीं रहने दिया जाएगा, विपक्ष तो है ही, इनका इनका सपना नहीं है कांग्रेस मुक्त। अब अगर अगर जनता ने नहीं चुन करके भेजा है, भारत का सपना है अभी भी या नहीं है? कांग्रेस कल्चर मुक्त भारत के लिए कांग्रेस कल्चर मुक्त का जो कल्चर रहा है, आरबी उपाध्याय जी कौन सी परिभाषा हित करने वाला कल्चर रहा है, आज ये कह रहे कि विपक्ष हाय विपक्ष 52 पे आ गया, हम तो चाहते हैं स्ट्रांग विपक्ष 52 पे आ गया, हाय विपक्ष 52 पे आ गया, और आज कह रहे कि भैया नेता विपक्ष का पद भी नहीं देंगे सर, और आज नहीं, कह रहे कि देखिए कांग्रेस मुक्त भारत भी निकाल, कह रहा हूँ आलोचक होना चाहिए, पार्टी ने नहीं किया है, सुन लें, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते पूरे भारत की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप रही, डॉक्टर हड़ताल पे थे, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से एक आवाज, किसी विपक्षी दल ने एक आवाज उठाई हो कि गरीब मजदूर जो कि सरकारी अस्पताल में जाता है, सरकारी स्कूल में जाता है, वो मर रहा था, विपक्ष ने एक आवाज नहीं उठाई। विपक्ष का मतलब होता है जनता की आवाज, जनता के सुपुर्द में साथ खड़ा दिखे, हवा दी। पक्ष ने ये नहीं देखा कि हम सरकार में है तो पहले इलाज करवाएं, कैसे भी करके डॉक्टरों को हम रास्ते पे ले आए, पक्ष ने अपना रोल क्यों नहीं अदा किया? ममता बनर्जी सर उस आग को जलने अगर दिया, दिया। पक्ष गलत करता है तो विपक्ष का कर्तव्य है, अरे जनता के साथ खड़ा के साथ खड़ा हो, अगर ममता बनर्जी ने वहाँ पर गलत किया तो विपक्ष क्यों नहीं वहाँ पर बोला कुछ? विपक्ष को तो बोलना चाहिए था ना वहाँ पर, संसद में आपने गलत किया, सड़क पे है, अगर पक्ष ने वहाँ पर एक्शन नहीं लिया उसके लिए तो आप बोल रहे, मेरे लास्ट 5 मिनट बचे, एक सेकंड एक सेकंड प्लीज प्लीज, वो भी सड़क पे आना चाहिए था, उपाध्याय साहब अगर विचार क्या होता है, हो गया, अगर सत्ता पर हो गया, हो गया हो रहा था, अरे सर विपक्ष अगर सड़कों पर मोमबत्ती लेकर नहीं उतर रहा चाहिए था, जो विपक्ष 2 साल की बच्ची मर जाती है, अगर विपक्ष को शर्म नहीं आती है तो सर इसमें हम क्या करें? आप अपनी एक सेकंड, एक सेकंड उपाध्याय सर, एक मिश्रा प्लीज, संयम के साथ पानी पीजिए, अरे ठंडा पानी पीजिए मिश्रा जी को, एक सेकंड, मुझे क्या करना है? ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए, अबे एक सेकंड, एक सेकंड, आप सब लोग सर प्लीज, मेरे को अच्छा लग रहा मिश्रा जी, मैं ऑडियो नीचे करवा रहा हूँ, प्लीज ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, उपाध्याय सर प्लीज,
प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज 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 उपाध्याय सर, प्लीज प्लीज एके मिश्रा प्लीज। जरा एक और तस्वीर दिखाइए, आप मजबूत विपक्ष की भूमिका दिखाते। अरे सर देखिए ना मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए ना, टीएमसी का एक और विधायक बीजेपी में शामिल हो गया, 12 पार्षद लेकर आए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए आप वो, और टीएमसी के नापोरा से विधायक हैं सुनील सिंह, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कई टीएमसी के विधायक और पार्षद इससे पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, टीएमसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी ने द्वार खुले छोड़े हुए हैं, आइए और पार्टी में शामिल हो जाइए, और जरा बयान सुना दीजिए जल्दी से। ऐसा लगता है कि ममता जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। जो आचरण, जो व्यवहार विद इन पार्टी, विद इन ब्यूरोक्रेसी और जनता के बीच भी जो उनका व्यवहार है वो सामान्य नहीं है। उनके व्यवहार से बंगाल की प्रतिष्ठा खराब हो रही और आज बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग ही पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, लंबी संख्या है, हर जिले के अंदर हजारों की संख्या में लोग। भैया सात फेस में चुनाव हुए, सात फेस में आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में तोड़ देंगे, सभी विधायक इधर से उधर आ जाएंगे, अनुज सिंह विपक्ष बचा नहीं, तो कौन से विपक्ष पे आंसू बहा रहे हैं आप? नहीं, नहीं, मैं बता विपक्ष रहा छोड़ जी। एके मिश्रा प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड। देखिए चावला जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा एक आलोचक की भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष जो है आलोचना करने के बजाय आरोप लगाने में ज्यादा माहिर रहा है। अरे सर आप तो आलोचना छोड़ ही नहीं रहे ना। विपक्ष छोड़ने का मैं कह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दल हैं, अगर वो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं तो लोग उनके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों नहीं इंटरेक्ट कर पा रहे अपने विधायकों के साथ, क्यों नहीं जुड़ पा रहे? अब उसमें हमारी गलती नहीं है सर, आप बताइए, हमारी जिन पे आरोप लगाए उनको पार्टी में लाते हैं, दोपहर को लाते हैं, शाम को टिकट दे देते हैं। जी नहीं, उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वहाँ की जनता हमसे जुड़ रही है, वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनिए सुनिए, एक वो भी विपक्ष की भूमिका थी जो अटल जी निभाते थे, ठीक है सर, आज आप दो दो विधायकों के सहारे सरकार भी बना देते हैं। मेरा सवाल सीधा यह है, आप जिस राज्य में जाते हैं, आप उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में आपने पूरा विपक्ष खत्म कर दिया, गुजरात में पूरा विपक्ष आपने खत्म किया, सर आप सीधा लॉजिकली बताइए कि आखिरकार जब विपक्ष रहेगा नहीं तो विपक्ष को लेकर रोने से क्या फायदा? अच्छा चावला जी एक बात बताइए, विपक्ष क्या भाजपा जाती, भाजपा कार्यकर्ता खत्म करते हैं कि वहाँ की जनता खत्म करती है? भाई जब उनको चुना ही नहीं जाएगा, उनको नीतियों को लोग पसंद नहीं करेंगे, उनके उनके वार्ताओं को पसंद नहीं करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कैसे कैसे हो सकता है? बिहारी वाजपेयी थे, एक वोट से सरकार गिरी थी, उन्होंने बोला हम एक कैंडिडेट का भी वोट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नैतिकता है। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं 40 विधायक हमारे पास है, अटल बिहारी वाजपेयी की नैतिकता, वो एक वोट उन्होंने नहीं लिया और आज बोल रहे आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, ऐसे विपक्ष मजबूत बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी से सीखिए सर, मजबूत बनाने के लिए एक वोट का समर्थन लेना, हम राजनीति करने आए हैं, भजन करने नहीं आए, समझना चाहिए आपको। की राजनीति उन्होंने हो गया मिश्रा जी, हो गया एक सेकंड उपाध्याय सर, अब ऐसे में फाइनल कमेंट मेरा आपसे, विपक्ष क्यों भरोसा करे ऐसी स्थिति में, बताइए, आप तो नारा दे देंगे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्यों भरोसा करे ऐसी स्थिति में जहां आप कह रहे कि तोड़ देंगे, 40 संपर्क में है, अब यह भी नहीं पता मध्य प्रदेश की गारंटी लेंगे, ये बोल कसम खा ले कि भैया हम सरकार नहीं बनाएंगे कर्नाटक में या मध्य प्रदेश या राजस्थान में। देखिए विडंबना देखिए कि जनता है, जनता क्या करे, भी गरीबी हटाओ नहीं हटी, अच्छे दिन आएंगे नहीं आए, रोजगार मिलेगा नहीं मिला, भी स्मार्ट सिटी बनेंगे नहीं, गंगा साफ होनी थी नहीं हुई, लेकिन जनता क्या करे, किस पर देखिए किस पर भरोसा करे। और एक चीज बता दूं, आप लोग खींचिए यहाँ पर, ये सब एक हैं, आरटीआई का मामला आता है हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है नहीं हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, तब वो पक्ष विपक्ष कहाँ चला जाता है, ये मारा तू नहीं बोलता है वो, ये बात कही आपने, राइट 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 राइट, देखिए आप सही कह रहे हो, इनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के अब सही ट्रैक जनता के बीच में, जनता के जब मैं बोल रहा था जनता के, मैं क्या सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ वो जनता फैसला करेगी, ये पैनलिस्ट फैसला नहीं करेंगे। सुन लें, ओके ये गलत फहमी है जनता को, ओके अब भी आप मानते हैं ये नारा है? सरोज मिश्रा फाइनल कमेंट 10 सेकंड में, ये नारा था
लगता है आपको? ये नारा अपनी जगह सही है और मेरे ख्याल से ऐसा हो भी रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी जगह पर बहुत कमजोर है, तो उसको जो जिस विपक्ष तरह रहेगा, जितनी ताकत में उतनी ताकत मोदी जी के होते हुए विपक्ष सरकार पर अंकुश लगाना चाहिए, उन्हें विपक्ष छोड़ देंगे, काम करना चाहिए, विपक्ष छोड़ देंगे जी, विपक्ष छोड़ देंगे। देखिए विपक्ष विपक्ष और पक्ष की यहाँ पर बात ही नहीं, जब जनता ने उनको चुना ही नहीं तो उनकी संख्या बल कम है, जाहिर सी बात है, वो भी, वो और जो बचे हुए हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको काम करना चाहिए, उनसे सरकार से पूछना चाहिए, उनके जो वादे किए उनसे पूछना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष की और निष्पक्ष की है। अब सवाल ये कि आखिरकार क्या वाकई में निष्पक्ष राजनीति की बात हो रही है या कहानी कुछ हो रहा है? अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें, आवाज दबाने की और बंद करने की जो प्रयास किया जा रहा है उसकी हम निंदा भी करते हैं। देश की जनता ने उनको जो नंबर दिया है दिया है। गांव में तो वो बराबर ये कहते रहे प्रधानमंत्री की गाड़ी की समस्या हमारे देश में है, न किसानों का अनरेस्ट है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। जो कुछ भी मुद्दा था, जो लोग ये चाहते नहीं चाहते, चुनाव में हो जाए।